हेलो एवरीवन, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल सिविल सेवा पे स्वागत है। और अभी आपको पता है एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है और आने वाले शिफ्ट में बाकी जिसका एग्जाम है, अभी जो 14 जुलाई का पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा है कि अभी माउंटेन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस पर मैंने ये क्लास बना दी है। मतलब जितने भी स्टेट हैं, यूनियन टेरेटरीज हैं, लगभग उनसे जो भी हाइएस्ट पीक होता है उसका हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे विथ मैप। क्योंकि देखिए, मैप से क्या होता है ना, चीज़ें थोड़ा दिमाग में मैपिंग कर लेती हैं, याद कर लेती हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा हमें आसानी होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि आप अगर नहीं देखे हैं तो जो जीके के क्वेश्चन आए हैं, मैंने उसका लेक्चर डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो 2x पे लगा लीजिए, मैं ज़्यादा मिनट नहीं लूँगा, 5 से 10 मिनट के बीच में ही आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 5 से 10 मिनट में ये पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख देखिए सबसे ऊंचा होता है, मैं क्या करूंगा, ऊपर से आऊंगा, फिर इन बड़े राज्यों पे आऊंगा, फिर नॉर्थ ईस्ट जाऊंगा, फिर साउथ आऊंगा। ठीक है, आपको वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट भी मैं बता दूंगा कि कौन सा किसका हाईएस्ट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं लद्दाख से। लद्दाख सबसे ऊपर है। ठीक है, लद्दाख अपना यूनियन टेरिटरी है, आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही बाइफरकेट होके, कुछ साल पहले ही बाइफरकेट हुआ जम्मू एंड कश्मीर से। तो यहाँ पे क्या है, ममोस्तांग कंगरी, कंगरी याद रखिएगा, अगर ना याद हो तो एमके से याद कर लीजिएगा लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या है, रियो, रियो पुरगिल, रियो पुरगिल से आप याद कर सकते हैं आरपी। ठीक है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा मतलब आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करना ही पड़ेगा। उत्तराखंड में नंदा देवी बहुत ही आसान है, नंदा देवी आपको पता होगा कि वहां पे एक वो है, नेशनल पार्क भी है। हरियाणा में क्या है, करो पीक। ठीक है, हरियाणा में करो पीक है। और फिर आप आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो अमोस पीक है। आप आ जाएंगे बिहार में तो सोमेश्वर है, सोमेश्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और झारखंड में आप आ जाएंगे पारसनाथ है। उसके बाद सब इंपॉर्टेंट है देखिए, गुरु शिखर, गुरु शिखर अरावली रेंज पे आता है और अरावली रेंज पे ये सबसे हाईएस्ट पीक भी है गुरु शिखर, अरावली रेंज का, तो जो राजस्थान में होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैं इसको रखता हूँ। नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट में है। और उसके बाद आते हैं गुजरात, गुजरात में गिरनार है। और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ है, धूपगढ़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, बड़े बड़े राज्य इधर के हो गए, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, कलसुबाई, कलसुबाई है महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक। अब आते हैं इधर की साइड, नॉर्थ ईस्ट की साइड, तो बिहार हो चुका है। अब आते हैं सिक्किम, सिक्किम में कंचनजंगा, आपको पता होगा कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है, K2, ये इंडिया का भी हाईएस्ट पीक है अगर बात की जाए। तो उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आता है कंगटो, नागालैंड में आता है माउंट सारामती। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है एसएससी में भी। मणिपुर में आता है माउंट टेम्पू, मिजोरम में आता है फगवान पुरी पुई, और त्रिपुरा में आता है बेतली चीप, बेतली चीप। और यहाँ पे है आसाम, मेघालय, मेघालय में आता है आपका शिलोंग पीक। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, ये वेस्ट बंगाल में है सड़कपू, और अंडमान निकोबार का है सैडल पीक। ठीक है, अब देखिए मैं एक और इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, दियोमली, ये आ चुका है क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार वाला भी आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखिएगा, कम से कम धूपगढ़ याद रखिएगा, गुरु शिखर याद रखिएगा। अब बात करते हैं तेलंगाना में है डोलीगुट्टा, गोवा में है सनसोगर, फिर ठीक है कर्नाटका में है मुल्यानगिरी, और केरला में है अन्नामुड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये वेस्टर्न घाट का भी हाईएस्ट पीक है, साउथ का भी सबसे हाईएस्ट पीक है, और केरला का भी हाईएस्ट पीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो अन्नामुड़ी है। और बाकी इस चैनल का जो भी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप जाके ये पीडीएफ भी, ये भी जो भी इमेज है वो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में डोडा बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में है अरमा कोंडा, और छत्तीसगढ़ का गौरलता, ये भी इंपॉर्टेंट है गौरलता, क्योंकि अभी देखिए प्रीवियस शिफ्ट में आया हुआ था क्वेश्चन माउंटेन रेंज मिलाने के लिए स्टेट वाइज, तो मैंने सारे स्टेट जो भी हैं, 28 स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, सबका मैंने लगभग लगभग आपको बता दिया। और मैक्सिमम 2 से 3 मिनट आपका लगा, 2x पे लगा के 1 से 2 बार देख जाइएगा, आपका हो जाएगा काम। ठीक है, और बाकी आप किसी भी चीज़ जीएस के लिए, मैं जो भी अभी अमेंडमेंट का सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हुए उसका, और शेड्यूल का एक क्लास सोच रहा हूँ लगा दूँ आपका, कि आने वाले जो भी अभी 17 तारीख से जो भी पेपर स्टार्ट होंगे तो उनको इन चीजों में फायदा हो, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।